बीए सेकंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है अमेरिकन एग्जीक्यूटिव या अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली पढ़ ली थी। आज हम करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में क्या क्या पावर है, क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र यूएसए उसका राष्ट्रपति है। उसके पास में बहुत सारी पावर है। पूरे विश्व में नागरिकों द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान भी है, कार्यपालिका का प्रधान है, संवैधानिक प्रधान भी है और वास्तविक प्रधान भी वही है। जैसे हमने देखा ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान अलग है, वास्तविक प्रधान अलग है। भारत में भी राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रधान है, राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रधान है। तो हम आज देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी मुख्य पावर हैं। पहली पावर कार्यपालिका पावर, जैसे कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में देखिए, कार्यपालिका में यह मुख्य कार्यपालिका है। जो राष्ट्रपति होता है वो मुख्य कार्यपालक होता है। इसके पास में क्या क्या पावर हैं वो हमने लिख रखा है। मैंने चार्ट के माध्यम से पूरी पावर लिख दी है, तो आप इस चार्ट को यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आराम से हो जाएगा, बड़े प्रश्न में भी हो जाएगा, और यदि छोटे प्रश्न में पूछ लिया जाता है, कुछ कुछ छोटे प्रश्न भी बनेंगे, वो मैं तुम्हें साथ के साथ में बता दूंगी कि कौन से प्रश्न छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो सेक्शन बी में बनने वाले प्रश्न ये हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ बताइए, या ये हो सकते हैं कि राष्ट्रपति की विधायिका लेजिस्लेटिव शक्तियाँ बताइए। तो इस प्रकार से ये तो हो सकते हैं सेक्शन बी में पूछने वाले प्रश्न, लेकिन उसके अलावा सेक्शन ए में छोटे दो दो नंबर वाले प्रश्न कौन से बनते हैं ये मैं तुम्हें कक्षा के बीच में बता दूंगी। और सी सेक्शन में ये पूरा का पूरा चार्ट तुम्हें पढ़ना होगा। ये पूरा चार्ट मैंने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बता दिया है। मुख्य रूप से राष्ट्रपति के पास में शक्तियाँ होती है कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, और उसके बाद में होती है विधायिका शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स, उसके बाद में वित्तीय शक्तियाँ होती है फाइनेंशियल पावर्स, और फिर बात आती है जुडिशियल पावर या न्यायिक शक्तियाँ। इन सब शक्तियों के अलावा भी कुछ शक्तियाँ होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर या कुछ अन्य शक्तियाँ। तो हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसमें सबसे पहली पावर ये है कानून का कार्यान्वयन। देखिए, कानून बनाना जो काम है वो व्यवस्थापिका का होता है। व्यवस्थापिका का कार्य, प्रथम कार्य है कानून बनाना। कानून बनाने का जो काम है वो व्यवस्थापिका का होता है, और व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, लेकिन क्रियान्वयन करने का जो कार्य होता है वह कार्यपालिका का होता है। क्योंकि राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका है, इसीलिए वह कानून का क्रियान्वयन करता है। यहाँ पे जो अमेरिका का संविधान है उसके अनुच्छेद दो की धारा तीन में ये बताया गया है कि विधायिका द्वारा बनाए गए सभी कानून का क्रियान्वयन राष्ट्रपति द्वारा होगा। उसके बाद में आता है कि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका की शक्तियां हैं, उनमें नियुक्ति और पदच्युति का भी अधिकार है। कार्यपालिका को क्या क्या अधिकार है? नियुक्ति और पदच्युति। नियुक्ति माने किसी भी पद पे नियुक्त करना, और पदच्युति माने किसी भी पद से हटाना, ठीक है। उसके बाद में देखिए, नियुक्ति दो प्रकार की बताई हुई है यहाँ पे। नियुक्ति दो प्रकार की, एक तो है उच्च स्तरीय नियुक्ति, पहली है उच्च स्तरीय नियुक्ति,
और दूसरी है निम्न स्तरीय नियुक्ति। देखिए स्टूडेंट, जो उच्च स्तरीय नियुक्ति है उसमें आते हैं राजदूत, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और जैसे वाणिज्य दूत इत्यादि आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, उच्च स्तरीय नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सीनेट से परामर्श लेता है, सीनेट की सहायता लेता है, सीनेट से परामर्श लेता है। तो यहाँ पे उच्च स्तरीय नियुक्ति को एक बात और कह दिया जाता है, सीनेटोरियल कर्टेसी, सीनेटोरियल कर्टेसी, कर्टेसी। अब देखिए प्रश्न दो नंबर का बनेगा तुम्हारे यहाँ पे, यहाँ ये पूछा जाएगा कि सीनेटोरियल कर्टेसी क्या है, सीनेटोरियल कर्टेसी क्या है, ये दो नंबर का प्रश्न आएगा। देखिए तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है सीनेटोरियल कर्टेसी क्या है, लेकिन देखो इतना आसान है कि राष्ट्रपति नियुक्ति संबंधी कार्य करता है, नियुक्तियाँ दो प्रकार से करता है, एक नियुक्ति उच्च स्तरीय नियुक्ति और एक नियुक्ति निम्न स्तरीय नियुक्ति। जो उच्च स्तरीय नियुक्ति होती है उसमें वह सीनेट से सहायता लेता है, क्या सहायता लेता है, परामर्श लेता है। तो वो जो परामर्श सीनेट से लेता है इसके बाद नियुक्ति करता है, इस परंपरा को कहते हैं सीनेटोरियल कर्टेसी, सीनेटोरियल कर्टेसी कहलाती है। ये दो नंबर का प्रश्न आएगा, तो ये महत्वपूर्ण भी है कि सीनेटोरियल, इसे सीनेटोरियल शिष्टाचार भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति उच्च स्तरीय नियुक्ति के लिए सीनेट के सदस्यों से परामर्श लेता है। तो कौन से सीनेट के सदस्यों से परामर्श लेता है, देखिए मैंने तुम्हें बताया था कि अमेरिका में 50 राष्ट्र है, टोटल 50 राष्ट्र है, प्रत्येक सॉरी राज्य है, 50 राज्य हैं, स्टेट 50 हैं और 50 स्टेट में से दो दो सीनेटर जाते हैं। तो दो दो सीनेटर जिस राज्य में राष्ट्रपति को नियुक्ति करनी है उस राज्य के सीनेट से पूछते हैं, जिस राज्य का सीनेटर है उस सीनेटर से पूछता है राष्ट्रपति क्या कि इस व्यक्ति की मैं नियुक्ति कर रहा हूँ, क्या ये व्यक्ति सही है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे एक व्यवस्था चालू है, यूएसए में एक व्यवस्था चालू है, उस व्यवस्था का नाम क्या है, सीनेटोरियल शिष्टाचार या सीनेटोरियल कर्टेसी, कर्टेसी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कार्यपालिका का जो अधिकार है वो आता है वैदेशिक मामले, विदेशों से जो बातें करने। अब देखिए पूरे के पूरे अमेरिका राष्ट्र का यदि कोई प्रतिनिधित्व करता है तो वो कौन है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, पूरे अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में पूरे विश्व में जो जाना जाता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही जाना जाता है। आज हम डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं, आज हम ओबामा को जानते हैं, लिंकन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, कैनेडी, हम सबको जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि वह अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो पूरे विश्व में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति है वो अमेरिकी राष्ट्रपति है। तो यहाँ पे अमेरिकी प्रतिनिधित्व और क्या है, जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक और तो और सभी प्रकार के जो समझौते हैं, सामरिक समझौते हैं, उन समझौतों का भी जो करने वाला विच है वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही है। अब देखिए अमेरिका में जो अमेरिका के द्वारा जो विदेशों के साथ संधि की जाती है, विदेशी संधि की जाती है, तो वह जो संधि है विदेशी संधियों में क्या होता है, सीनेट का समर्थन जरूरी है। विदेशों के साथ जो संधि की जाती है वह अमेरिका का राष्ट्रपति अकेला नहीं कर सकता, बल्कि सीनेट की सहमति से कर सकता है। तो सीनेट की जो ये सहमति होती है इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स, एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स। अब देखो
विदेशों से किसी भी प्रकार की संधि राष्ट्रपति करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, सीनेट से एग्रीमेंट लेना पड़ता है, सीनेट की सहमति लेनी पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा उच्च पदों पे नियुक्ति के लिए भी सीनेट की सहमति लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर में आता है कि वह सेना का प्रधान होता है। सेना का प्रधान अर्थात कोई भी युद्ध होता है तो राष्ट्रपति क्योंकि कमांडर है सेना का, इस वजह से वह जल थल नव तीनों सेना का कमांडर होता है। तो इस वजह से क्या है, वह किसी भी वक्त सेना को युद्ध में भेज सकता है। तो हुआ क्या था 1965 में राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनाम में युद्ध हुआ था तो अपनी सेना को वहां झोंक दिया था और इसके कारण से वहां पे सेना वियतनाम जीत गया था, अमेरिका हार गया था, इसलिए जॉनसन की बहुत ही अधिक निंदा भी हुई थी। तो कहीं कहीं ऐसे हो जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जल थल नव सेना का सेनापति होने के कारण कभी कभी इसके निर्णय गलत भी हो सकते हैं और अधिकतर सही होते हैं। देखिए ये हमने किया है अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ एग्जीक्यूटिव पावर। अब हम सेकंड करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की विधायिका विधायन संबंधी पावर लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेजिस्लेटिव पावर यदि हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की तो ब्रिटेन के पास में जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है उसके पास में विधायन पावर अमेरिका के राष्ट्रपति से कहीं अधिक है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, उसके पास में भी बहुत अधिक पावर है और इस पावर होने के कारण से ही वह चीफ लेजिस्लेटर कहलाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति के पास में पावर है लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जितनी पावर नहीं है, फिर भी इतनी पावर है कि वह चीफ लेजिस्लेटर कहलाता है। अभी देखिए क्या क्या है ऐसी लेजिस्लेटिव पावर है इनके पास में। तो देखिए सबसे पहली पावर है विशेष अधिवेशन बुलाना। देखिए कांग्रेस का वह अध्यक्ष को कांग्रेस के अधिवेशन को राष्ट्रपति ना तो आहूत करता, ना वह सत्रावसान करता और ना ही कांग्रेस के सीनेट और प्रतिनिधि सदन को विघटित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुला सकता है हालांकि कांग्रेस के अधिवेशन को ना आहूत शब्द आया है, अधिवेशन बुलाना, आहूत का अर्थ क्या होता है, बुलाना। कांग्रेस के अधिवेशन को बुला भी नहीं सकता, सत्रावासित भी नहीं कर सकता और न कांग्रेस के किसी भी सदन को सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को विघटित भी कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, विशेष अधिवेशन विशेष परिस्थितियों में बुला सकता है। उसके बाद में सेकंड नंबर की लेजिस्लेटिव जो पावर है वो ये है कि कांग्रेस को संदेश भेज सकता है, अर्थात अपने कानूनी जो बातें हैं सुझाव है वह दे सकता है। तीसरी लेजिस्लेटिव पावर अमेरिकी राष्ट्रपति की ये है कि वह वीटो का यूज़ कर सकता है, वीटो का अधिकार है। वीटो का अर्थ होता है WETO, वीटो अर्थात निषेधाधिकार, निषेधाधिकार का अर्थ होता है मनाही करना। देखिए तुम जानते हो कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही विधेयक कानून बनता है। तो यहाँ पे क्या है, जो कांग्रेस है यानी कि व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, व्यवस्थापिका का कार्य है कानून निर्माण करना, ठीक है। कानून निर्माण करके उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर करने के बाद में विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन होता क्या है, यदि राष्ट्रपति उसे कानून का रूप नहीं देना चाहते तो वह मनाही कर सकते हैं, तो मनाही को वीटो कहते हैं।
तो वीटो का अर्थ क्या है, मनाही करना, अर्थात निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। अब देखिए स्टूडेंट, निषेधाधिकार दो प्रकार से कर सकता है, एक तो सस्पेंसिव वीटो और एक पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव वीटो है उसे कहते हैं विलंबकारी वीटो, विलंब यानी थोड़ी देरी करना, ठीक है, देरी करना। अभी देखिए देरी कैसे करना, जब कांग्रेस के किसी भी सदन से विधेयक आएगा राष्ट्रपति के पास में, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस कांग्रेस में भेज सकता है, कांग्रेस के किसी सदन में भेज सकता है पुनर्विचार। सस्पेंसिव वीटो यानी पुनर्विचार के लिए कांग्रेस में वापस भेजना, ठीक है। अब वापस आया, फिर वापस राष्ट्रपति के पास आएगा, देखो विलंब हो गया, थोड़ा समय लग गया, इस वजह से इसे विलंबकारी सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। सेकंड वीटो आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो देखिए, कांग्रेस के सत्र काल में, कांग्रेस के जब सत्र चल रहा है, कांग्रेस के सत्र काल में, यहाँ मैंने लिख रखा है 10 दिनों तक कोई कार्यवाही, 10 दिनों तक कोई कार्यवाही न करे। पॉकेट वीटो में क्या है, जैसे ही कांग्रेस के द्वारा विधेयक आएगा राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति के पास में विधेयक आया और कांग्रेस के सत्र काल में 10 दिनों तक कोई कार्यवाही न कर अपने पास, 10 दिनों में क्या करता है राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है। और यदि कांग्रेस स्थगित हो जाती है, तो वह विधेयक जो है वह राष्ट्रपति की पॉकेट में ही रह जाता है, वह विधेयक कानून नहीं बन पाता है। और ये होते हैं विधेयक पर वह निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है सीनेटोरियल कर्टसी क्या है, 2 नंबर का प्रश्न तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्या है उच्च स्तरीय नियुक्ति में सीनेट की सहायता लेना, सुझाव लेना कि इसे हम नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद में पूछा जाता है एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट क्या है विदेशी संधियों में। देखिए विदेशी जो संधियां होती है उसमें सीनेट का अनुसमर्थन जरूरी है, ठीक है, आवश्यक है, लेकिन प्रत्येक बात में सीनेट का अनुसमर्थन करेंगे तो कोई संधि हो नहीं पाएगी यदि सीनेट मना कर देती है। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका संधि के नाम से संधि कर लेता है, तो कार्यपालिका संधि है वह ऐसी संधि है जिसमें सीनेट के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो एग्रीमेंट होता है ये एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट कहलाता है। एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट क्या होता है कि जहाँ पे सीनेट के सदस्यों की परामर्श की आवश्यकता राष्ट्रपति को नहीं होती है, इसके केवल नाम बदल दिया, पहले थी विदेशी संधि और ये क्या है एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट। तो यहाँ जो जो एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट विदेशों के साथ किया जाता है उस एग्रीमेंट में सीनेट के जो सीनेटर हैं उनकी सहायता या सुझाव या परामर्श की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे एग्रीमेंट केवल और केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, ये है एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट। तो देखिए सीनेटोरियल कर्टसी और एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट, और इसके अलावा देखो गुप्त, बहुत सारे गुप्त संधियां भी राष्ट्रपति को करने के अधिकार हैं। अब देखिए फिर प्रश्न छोटे में बन सकता है, वीटो क्या है, राष्ट्रपति की वीटो क्या है। वीटो क्या है, मनाही का अधिकार। कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास जाता है और कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित होके विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास एक ऐसा अधिकार है मनाही का, जिसके द्वारा वह उस पर विधेयक को रोक सकता है। 2 प्रकार के होते हैं, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव विलंबकारी होता है, पुनर्विचार के लिए होता है, पॉकेट वीटो अपने जेब में रखने का अधिकार होता है। उसके बाद में आता है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ में आता है बजट निर्माण। बजट निर्माण करने का जो अधिकार है वह भी राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति क्या करते हैं,
बजट निर्माण के संबंध में जो बातें हैं वह कांग्रेस को बताएंगे, कांग्रेस को आवश्यक सूचना भी देंगे। और फिर आता है न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर में देखो, जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह सीनेटरों से परामर्श लेते हैं। और उसके बाद जुडिशियल पावर में आता है कि किसी भी प्रकार के न्यायालय द्वारा जब उनको किसी व्यक्ति को दंड दे दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकते हैं, उनके दंड को कम कर सकते हैं, उनके दंड को स्थगित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि महाभियोग के आधार पे लगाए गए जो दंड है उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता है। उसके बाद में देखिए न्यायिक शक्तियाँ, आज हमने कार्यपालिका शक्ति कर ली, विधायिक शक्ति कर ली और वित्तीय शक्ति कर ली, न्यायिक शक्ति कर ली। अन्य कार्य में देखो, देश का प्रधान कार्यपालक है, जल थल नव सेना का अध्यक्ष है और राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है, अपने दल का सर्वोच्च नेता होता है, संपूर्ण राष्ट्र जो है उसके शासन का एक केंद्र बिंदु राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के जो वचन है टीवी पे, जो उसके अनाउंसमेंट है, उसको पूरा का पूरा देश, यूएसए बल्कि पूरा का पूरा विश्व बहुत ही अधिक ध्यान से सुनता है, मनन करता है, उस पर विचार करता है। अर्थात वो विश्व का एक केंद्र बिंदु है, यूएसए का केंद्र बिंदु है। लेकिन कुछ हद तक ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर भी उसके प्रभाव निर्भर करता है कि उसका प्रभाव जनता पे कितना पड़ता है। उसके व्यक्तित्व पे ऐसे निर्भर करता है कि देखिए, बहुत सारे राष्ट्रपति थे जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था और किसी किसी राष्ट्रपति का जो कार्य है कई बार अच्छा नहीं हो पाता। जैसे हमने पढ़ा था कि जल थल नव सेना का अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पे हमने देखा था 1965 का जो वियतनाम युद्ध था, इसके अंदर जो राष्ट्रपति जॉनसन थे, जॉनसन के समय में वियतनाम युद्ध हुआ था और वियतनाम युद्ध के समय में राष्ट्रपति जॉनसन ने उन्हें वियतनाम युद्ध में भेज दिया अपनी सेना को, लेकिन पराजित हो गए और उनकी बहुत बड़ी निंदा हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जिनका व्यक्तित्व थोड़ा अच्छा नहीं होता और कुछ राष्ट्रपति ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। तो उनका प्रभाव जनता पे कितना रहता है ये उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो कुछ ऐसे लिंकन जैसे हुए थे, लिंकन रूजवेल्ट हुए थे, जैसे बहुत अच्छे जो राष्ट्रपति थे उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व था। जैसे जॉन कैनेडी ऐसे व्यक्ति थे, हमने पढ़ा था कैनेडी, ख्रुश्चेव, क्यूबा सिद्धांत पढ़ा था, क्यूबा संकट पढ़ा था। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, सॉलिड व्यक्तित्व था, उसके कारण से उनका प्रभाव पूरे के पूरे विश्व पर पड़ा था। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनका व्यक्तित्व थोड़ा कम था। तो जैसे जॉनसन हमने पढ़ा 1965 के वियतनाम युद्ध में अपनी सेना को झोंक दी और निंदा हुई। जिमी कार्टर ऐसे व्यक्ति थे, और अभी उदाहरण यदि आज के समय का लेते हैं तो ट्रंप भी लगभग ऐसे ही व्यक्तित्व विहीन राष्ट्रपति कहलाते हैं। हमें नहीं लगता कि हम जो 26 जनवरी को शपथ लेंगे वो दोबारा लेंगे, हालांकि वो उम्मीदवार है, लेकिन देखते हैं कौन जीतता है। तो हाँ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास में बहुत अधिक पावर है, बहुत अधिक पावर है। तो ये जो पावर है ये मैंने तुम्हें सारी की सारी करवा दी है। उसके अतिरिक्त तो और भी कुछ ऐसा है तो तुम बुक से पढ़ सकती हो। मेरी कोशिश ये रहती है मैं मैक्सिमम तुम्हें थोड़े से में बहुत ज़्यादा करवा दूँ, तो तुम पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक रजिस्टर में जो कॉपी वाला वो जो पिन वाला पेज होता है उसमें ये पूरी की पूरी लिख सकते हो, ताकि एक एग्जामिनर के पास में एक अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है। तो तुम देखो और स्क्रीनशॉट लो और लिखो।